गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द एडवर्टाइजमेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एंड ऑल्सो फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. फर्स्टली वी विल नो वॉट इज एडवर्टाइजमेंट. एज आई टोल्ड यू, एडवर्टाइजमेंट आर अ मीडियम ऑफ रीचिंग टू कंज्यूमर्स फॉर वंस प्रोडक्ट्स. आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप देखते हैं कि किसी चीज़ को जितना ज़्यादा हाईलाइटेड किया जाए, जितना ज़्यादा उसका एडवर्टाइज किया जाए, उतना ज़्यादा उस कंपनी को बेनिफिट मिलता है. मतलब उसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं लोगों तक. देखिए, आप देखते होंगे कि ये किस तरीके से इसका जो है एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, अभी बहुत सारे वैसे भी गेमिंग ऐप तो बहुत सारे लॉन्च हुए हैं, लेकिन आप देखिए पबजी एकदम सुपर फेमस चल रहा है. इट मीन्स इसका जो है एडवर्टाइजमेंट उस तरीके से किया गया है, ये ईच एंड एवरी पीपल तक पहुंच चुका है. तो वही है कि इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एडवर्टाइज टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स. मीन्स जितना भी आप किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट उसका होने वाला है. तो दैट इज़ डिपेंड, मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से हो रहा है. एडवर्टाइजमेंट आप जानते हो कि थ्रू न्यूज़पेपर भी होता है, मैगज़ीन भी होता है, टीवी के थ्रू होता है, सिनेमा के थ्रू आप देखते हैं वहाँ भी जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है. तो और ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. फर्स्ट वन इज़ अ क्लासीफाइड आर ब्लॉक, सेकेंड वन इज़ अ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट. अब ये जो क्लासीफाइड और ब्लॉक होता है, ये फॉर्मल होते हैं और ये इनफॉर्मल होते हैं. तो अब आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं कि जैसे आप देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट, हम एजुकेशन फील्ड की बात करें या किसी चीज़ की बात करें, जैसे अगर कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी में किसी पोस्ट के लिए सीट खाली है, तो वहाँ पर हम इस तरीके का जो है एडवर्टाइजमेंट करेंगे. तो वहाँ पर हमको ये चीज़ें चाहिए, वहाँ पर ये आपको लिखना पड़ेगा सिचुएशन वैकेंट. वैकेंट का मतलब आपको पता ही है कि वैकेंट का मतलब ही होता है खाली होना, यानी कि वहाँ पर किसी चीज़ किसी कंपनी में. अब देखिए जैसे स्कूल है, स्कूल में अगर टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो स्कूल वाले क्या करेंगे, ये एडवर्टाइजमेंट देंगे. कौन सा? सिचुएशन वैकेंट वाला. ठीक है, और अगर जैसे मान लीजिए मैं कम्प्लीटली वैकेंट हूँ और मुझे जॉब चाहिए, तो मैं ये नहीं लिख सकता, तो मैं लिखूँगा सिचुएशन वांटेड. तो आइए सबसे पहले वैकेंट में क्या करते हैं. वैकेंट में आपको मैंने सिंपल सा बताया कि वैकेंट में जैसे कहीं भी किसी कंपनी में या स्कूल में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ की होती है, तो वो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं सिचुएशन वैकेंट. और आपको क्या करना है, यू हैव टू कम्प्लीटली राइट द ब्लॉक लेटर ऑफ ईच वर्ड. जितने भी वर्ड होंगे, हर वर्ड का प्रत्येक लेटर वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा या ब्लॉक लेटर होगा. सिचुएशन वैकेंट आपको इस तरीके से लिखना है. अब देखो यहाँ पर भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट खाली है या हमको एम्प्लॉय चाहिए, तो हम लिखेंगे वांटेड. वांट का मतलब ही होता है कमी ना, या कभी कभी लोग देखते हैं, आप बोलते भी हैं भाई वांट है कहीं किसी चीज़ की, तो वांट का मतलब ही होता है कमी है, रिक्वायरमेंट है. तो वहाँ पर हमने लिखा वांटेड वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड. अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैंक्स छोड़ा है. ब्लैंक्स का मतलब जैसे भाई अगर कंपनी है, तो मान लीजिए उसको सुपरवाइजर चाहिए या क्या चाहिए, वो वहाँ पर आपको फिलअप करना है. अगर टीचिंग लाइन में है, तो जैसे आपको टीचर चाहिए, तो आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा. या आपको भाई रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो वो आपको रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा. तो जैसे यहाँ पर लिखा गया वांटेड वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस. अब मैंने आपको बताया अगर रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो आप रिसेप्शनिस्ट लिखो, और अगर नहीं आपको टीचर चाहिए, तो यहाँ पर टीचर लिखो. ठीक है, हमने लिखा. अब रिसेप्शनिस्ट, अब आपको क्या चाहिए. अगर जैसे भाई कुछ लोग होते हैं कि हमको रिसेप्शनिस्ट में स्पेशली फीमेल ही चाहिए,
तो क्या अगर फीमेल चाहिए तो क्या आप ऐसा लिखोगे मेल एंड फीमेल? नहीं भाई, अगर आपको जब उनको उन्होंने पहले ही बता दिया कि मुझे फीमेल ही चाहिए तो यहाँ पर आपको मेल लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करोगे, लिखोगे फीमेल। ठीक, अगर नहीं कुछ दिया हुआ है भाई, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे कुछ भी चलेगा, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, मेल एंड फीमेल। अब आगे देखिए भाई, कुछ लोग मांगते हैं ना कि रिसेप्शनिस्ट कम से कम उसके पास 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। अब आप ये दिमाग में क्वेश्चन आपके आता होगा, सर आपने 5 ईयर्स लिखा, क्या 5 ईयर्स होना ही चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सामने वाला कभी कभी, उसको बहुत ज़्यादा बैडली रिक्वायरमेंट होती है, वो बोलता है यार बस वो पर्सनालिटी, जैसे रिसेप्शनिस्ट की नाम आता है तो रिसेप्शनिस्ट भाई थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए देखने के बाद ना, देखने के बाद अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा टॉकेटिव होना चाहिए, बातचीत करने वाला होना चाहिए। जैसे बात में ही आदमी एकदम इंथ्राल्ड हो जाए कि अगर नहीं भी कुछ करवाना चाहे तो चलो एडमिशन तो करवा ही ले, ऐसा होना चाहिए रिसेप्शनिस्ट। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई अगर एक्सपीरियंस 1 साल का मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं उनको रिसेप्शनिस्ट मिल रहा है, बोले एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, फ्रेशर हो फिर भी चलेगा, मुझे चाहिए तो चाहिए। अगर तो यहाँ पर आप क्या कर सको, दैट्स डिपेंड ऑन यू। आप 5 ईयर चाहिए, या कुछ लोग भाई ज़्यादा हाईली उनको रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफाइड चाहिए तो वो 10 ईयर्स भी यहाँ डालते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वो डिपेंड करता है कि सामने वाले को रिक्वायरमेंट कैसी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। और अब देखो भाई, आजकल क्या है कि जैसे स्कूल में अब मैंने बोल दिया रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कुछ पेरेंट्स होते हैं जो लिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो आते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला जो यहाँ पर हमसे बात कर रहा है वो उसके अंदर फ्लुएंसी है कि नहीं, ये टॉकिंग इंग्लिश कर सकता है कि नहीं। क्योंकि देखिए मैक्सिमम क्या होता है, लोग ये समझते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो कम से कम वहाँ पर जो बंदा होना चाहिए वो इंग्लिश टॉकिंग तो करना चाहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, है ना भाई? माने उसको अभी जैसे यहाँ गुजरात में है तो उसको गुजराती भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, मतलब हिंदी भी आनी चाहिए। तो क्योंकि पेरेंट्स बहुत तरीके के होते हैं, सब मिलजुल के आते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, दोनों में चाहिए, क्योंकि मैंने रिसेप्शनिस्ट के लिए स्पेशली बोला है। तो दोनों चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए फ्लुएंसी और हिंदी भी, दोनों भी दोनों टॉकिंग में अच्छी उसकी पकड़ो। और इसके बाद लिखा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट। भाई अब रिसेप्शनिस्ट है तो उसको कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज अ मस्ट। अब देखिए भाई, जाहिर सी बात है जब आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला तो लोगों के अंदर जिज्ञासा होगी कि भाई इतना मांग रहा है तो सैलरी क्या देगा। तो कुछ लोग जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं तो सैलरी मेंशन नहीं करते हैं, और कुछ लोग ऐसा होते हैं जो ज़्यादा उनसे भी ओवर स्मार्ट होते हैं, वो लिख देते हैं 10,000 से लेकर के 30,000 35,000 तक। तो सामने वाला कभी 10,000 पे नहीं आता, वो 35,000 ही देखता है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने लिख दिया है सैलरी निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब भाई देखो, मैं उसकी योग्यता देखूंगा, तो जैसी उसकी योग्यता रहेगी, जैसी उसकी एबिलिटी रहेगी, वो अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। वो 50,000 लेगा, 10,000 लेगा, 20,000 लेगा, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ठीक है? तो और पर्क्स एंड इंसेंटिव विल आल्सो बी प्रोवाइडेड। मतलब देखो जैसे भाई आ गया ना इंसेंटिव वगैरह का नाम आ गया, जैसे चार्जर्स होता है, जो वो भी बोल रहे हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि पर्क्स एंड इंसेंटिव विल आल्सो बी प्रोवाइडेड। अच्छा अब ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है, अप्लाई विद इन 4 डेज। अब यहाँ पर ये मेंशन किया रहता है, जैसे आप देखते होंगे जो एडवर्टाइजमेंट निकला आज की डेट का निकला, तो आज की डेट से अगर वो 4 दिन दिया है, 4 दिन के अंदर आप आइए, 5 दिन के अंदर आइए। कुछ लोग बोलते हैं कल तक ही, लिमिटेड सीट है, आप कल तक आएंगे तो ठीक है। तो ये आप ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ पर कितना दिन मेंशन किया हुआ है,
किसके साथ लिखना है, विथ कंप्लीट बायो डाटा। आप अपने कंप्लीट बायो डाटा के साथ जो है 4 दिन के अंदर, आज के दिए हुए एडवर्टाइजमेंट डेट है उसके अंदर 4 दिन के अंदर आपको जो है जाकर के वहां से मिलना है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई, जो एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है वो अपना आपको यहाँ पर नाम बताएगा, ठीक है। या कभी कभी क्वेश्चंस में दिया जाता है कि आप ये हो और जो है आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट करो, तो वहाँ पर आप अपना जो नाम दिया जाएगा उसको लिखना है। तो लक्ष्मी नारायण जैसे यहाँ पर लिख दिया गया, और ईमेल आईडी भी कुछ लोग देते हैं भाई कि इस ईमेल आईडी से कांटेक्ट कीजिए, या मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर भी देते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए आप, ये तो रहा अगर मैं बोलूँ इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, इफ़ द वैकेंसी इज़ अवेलेबल एट दैट टाइम देयर विल बी। अब इसके लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और वो कोई भी हो, चाहे वो सिचुएशन वांटेड हो, चाहे फॉर सेल हो, चाहे सिचुएशन वैकेंट हो, ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो सब जगह रिक्वायरमेंट होती हैं, वो रहना ही चाहिए। वाट इज़ द फर्स्ट थिंग्स, फर्स्ट थिंग्स योर एडवर्टाइजमेंट शुड बी कम्प्लीटली सराउंडेड बाई योर लाइन्स आर द, आप ये पैरा जो है बॉक्स में ही लिखोगे, ये पहली चीज़ है कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए वो एक बॉक्स में ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देना कि जैसे ये चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस, जैसे ये इतनी चीज़ें यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो ना। बस मैं अभी आपको बताऊँगा, अगर वो जो है वांटेड होता है, सिचुएशन वांटेड, तो वहाँ पर क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बॉक्स आप बनाना ना भूलें, बॉक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर ये चीज़ आप सामने देखना कि वो मेल की बात कर रहा है या फीमेल की बात कर रहा है, नाम क्या दे रहा है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब उनको जो है वो चीज़ें यहाँ पर हमने स्पेस कर दिया है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो आइए अभी हम चल रहे हैं कि सिचुएशन वांटेड रहेगा एडवर्टाइजमेंट तो कैसे पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि सिचुएशन वैकेंट रहेगा, अब यहाँ पर मैंने बताया सिचुएशन वांटेड, मतलब वांटेड में क्या है कि हमने आपको बताया मुझे ज़रूरत है, वैकेंट में क्या सामने सीट खाली थी, वहाँ पर मुझे वहाँ पर अप्लाई करना था। लेकिन यहाँ पर क्या, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिचुएशन वांटेड। वांटेड में मतलब ये है कि हमको ज़रूरत है, और अगर कोई भाई कहीं वैकेंसी खाली हो तो मुझे प्लीज़ जो है जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे कांटेक्ट करो। देखिए ये अपलोडेड होता है ऑनलाइन, तो वहाँ पर देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। वहाँ पर जब मैंने सिचुएशन वैकेंट में आपको बताया था तो वहाँ पर मैंने बताया था वांटेड वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर वांटेड मुझे ज़रूरत है, मुझे कमी है, तो मैं लिखूँगा वांटेड नहीं, अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। अब देखिए मैं क्या हूँ, मान लीजिए टीचर हूँ, तो यहाँ पर आप टीचर लिख दोगे तो गया अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर लुकिंग फॉर जॉब। मतलब मैं भाई मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, और इसके बाद क्वालिफाइड भी हूँ, और मैं जॉब की तलाश में हूँ। तो बस आपने देखा कि सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट में पहली चेंजिंग आपको क्या दिखी, वहाँ पर आपको क्या करना था कि बताना था कि भाई एक चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस होल्डर और क्वालिफाइड जो है, और यहाँ पर क्या है, मैं क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस हूँ, मुझे चाहिए। फिर अब आप देखो, आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हो कि हाँ भाई मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। क्या उसमें नहीं बता सकते थे, जैसे कुछ लोगों के मन में आता है ये क्वेश्चंस, तो बिल्कुल आप बता सकते हो, आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया वहाँ पर बाद में मेंशन करना, वहाँ पर पहले ऑलरेडी निकला रहता है, वहाँ पर बताता है भाई मुझे इतना क्वालिफाइड चाहिए। आप देखते हो जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव या कोई भी वैसा रहता है तो वहाँ पर नीचे
भाई नीचे देता है कि इतनी उम्र होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए और इतना क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ये बताओगे कि भाई मैं जो है मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैंने लिखा है एमए विथ इंग्लिश एज 24। हाँ एज आप एज मेंशन कर सकते हो, आपकी इच्छा है करो या नहीं करो। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर लिखा तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर क्या जरूरी है एज लिखना, तो दैट्स डिपेंड ऑन यू भाई। आप ये दिखाना चाहते हो कि मैं अभी जवान हूँ, एकदम काम करने की एज में हूँ, तो आप ऐसा मेंशन कर सकते हो कि मेरी उम्र 24 ईयर्स है और फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। अब आप बोथ ये बताना भाई, देखिए थोड़ी सी आप ये बताओगे कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, ठीक है। तो मैंने बताया कि भाई मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों, मुझे दोनों में फ्लुएंसी मेरी है। एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन अ प्राइवेट स्कूल फॉर मोर देन 7 ईयर्स। अब मैंने यहाँ पर देखिए वो चीज़ जा वहाँ पर क्या था, एक्सपीरियंस होल्डर पहले ही बताया था कि इतना साल का एक्सपीरियंस होल्डर मुझे चाहिए, और मैं यहाँ पर बाद में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी लिखा जा सकता है और बाद में लिखा जा सकता है। तो मैं प्राइवेट स्कूल में जो है वो 7 साल मेरे पास 7 साल काम करने का एक्सपीरियंस है, मैंने एज अ टीचर काम किया है। अब वहाँ पर क्या था देखिए कि सैलरी निगोशिएबल थी, मतलब ना, और यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड सैलरी भाई आपको यहाँ पर ज़रूरत आपको है ना सैलरी की, कि भाई आप बताओगे कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है जो इतना पेमेंट मुझे दे सकता है वो मुझसे कांटेक्ट करे, अगर नहीं दे सकते हो तो आप बाहर दूसरी दुनिया देखो। तो यहाँ पर आपने अपनी बता दी कि मेरी ये सैलरी है, इतना मुझे चाहिए, एक्सपेक्टेड सैलरी 30,000 रुपीज़, और इंटरेस्टेड में कॉन्टेक्ट वहाँ क्या था, आप अप्लाई कर रहे थे इसलिए आप वहाँ पर वैकेंट में क्या था, अप्लाई करना था आपको, तो वहाँ पर आपने ये चीज़ नहीं देखा कि इंटरेस्टेड जो हों वो कांटेक्ट करें। मतलब भाई आप ये बता रहे हो कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मेरा इतने में अगर इससे कम होगा तो मेरा नहीं चलेगा भाई, मेरे चलने वाला नहीं है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझसे कॉन्टेक्ट करो। अब आपको यहाँ पर नाम और इसके बाद एड्रेस मान लीजिए दे दिया, और मैंने फिर आपको ईमेल आईडी भी दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। अब इसमें भी उसमें भी क्या, दोनों में सिमिलरिटी क्या है भाई, कि देखो वहाँ पर पहली चीज़ें यहाँ भी मैंने आपको बताया, पहले वेकिन यहाँ पर आपको रखना है, वहाँ पर भी वही था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने आपको बताया कि जो ये एडवर्टाइजमेंट होता है ये बॉक्स के अंदर ही होता है, और इसकी लिमिटेशन होती है ये 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है। ये यही सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिचुएशन वांटेड हो तो वही सिर्फ 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट आप लिखोगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आप जब करोगे 50 वर्ड से ज़्यादा होगा तो कोई इंटरेस्टेड ज़्यादा लोग, देखिए इसलिए कम शब्दों में लिखो लेकिन अट्रैक्टेड वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए देखो जब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो फीचर्स उसके होते हैं उसको चीज़ हाइलाइटेड किया जाता है, तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए वो 50 वर्ड से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट इसी एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे, सपोज दैट अगर मैं अभी तक हमने पढ़ा कि हमको जॉब की रिक्वायरमेंट है या कहीं पर वैकेंसी है, लेकिन आप देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है इसका एक पार्ट है, हिस्सा है। जैसे कोई चीज़ बेचनी है मुझे, अभी सपोज दैट जैसे आप रूम छोड़ के जा रहे हो, तो जब आप थोड़ी दूर पर जाते हो तो ऐसा नहीं होता, सारी चीज़ें आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। सपोज दैट जैसे आउट ऑफ आप स्टेट हो तो बाहर हो, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट का आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हर चीज़ें आप अपने साथ ले और ले जा आ नहीं सकते हो, ना तो जा सकते हो। तो आप क्या करते हो कि आपके साथ जो कुछ चीज़ें रहती हैं आप सोचते हो कि उसको वहीं पर बेच दिया जाए, तो वो किसके थ्रू आएगा, वो फॉर सेल के थ्रू आएगा। तो देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है इसी तरीके से आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, यू आर शिफ्टिंग एब्रॉड सो यू वांट टू डिस्पोज ऑफ सम ऑफ योर फर्नीचर्स एंड हाउस होल्ड गुड्स।
आप जो है जैसे मैंने बताया कि आप रूम छोड़ करके कहीं दूर जा रहे हो, तो आप क्या करना चाहते हो कि अपने घर के कुछ सामानों को, फर्नीचर्स को बेचना चाहते हो, यहीं पर छोड़ना चाहते हो या दे देना चाहते हो किसी, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू पुट इन अ लोकल न्यूज़पेपर इन द कॉलम फॉर सेल। तो वो किसके कॉलम में आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा? फॉर सेल के कॉलम में। तो जहां अभी आप लिखते थे जो है सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट लिखते थे, अब यहाँ पर क्या आएगा? फॉर सेल आएगा। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में भी आपको क्या करना है? फॉर सेल। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है, क्या बेचना है? फर्नीचर्स बेचने हैं और कुछ हाउस होल्ड थिंग्स बेचनी है। फॉर सेल के बाद क्या लिखोगे? फर्नीचर्स ना, ठीक है? तो फॉर सेल आ गया। इसके बाद ये जैसे अभी आपको भाई कुछ लोग कार बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर सेल क्या लिखोगे यहाँ पर? जो कार का नाम रहेगा, मान लीजिए आपकी स्विफ्ट डिज़ायर है, फिर आप लिखोगे फॉर सेल क्या? स्विफ्ट डिज़ायर। अब आप कलर भी शो कर सकते हो कि ब्लू कलर की है, वाइट कलर की मेरी कार है, तो फॉर सेल ब्लू कलर स्विफ्ट डिज़ायर, ठीक है। फिर उसके लिए थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। जैसे अब आप लिखोगे कि भाई पहले इसको देख लेते हैं हम, तो जैसे मैंने आपको बताया फॉर सेल फर्नीचर है, और ये फर्नीचर में क्या है यहाँ पर हम अब इस चीज़ को मेंशन करेंगे। मैंने क्योंकि बताया आपको कि क्या है, फर्नीचर्स है और कुछ हाउस होल्ड गुड्स है ना, कुछ घर के सामान्स है जो बेचने हैं। तो सच है जो 6 सीटर सोफा विथ आर्म, ठीक है, माने 6 लोगों के बैठने के लिए जो है 6 सीटर सोफा है, और क्या है, स्टील अलमारी, अलमीरा है, स्टील की अलमारी है, डबल बेड विथ साइड रैक्स ना, डबल बेड है, साइड में रैकिंग लगा हुआ है, डाइनिंग टेबल है या स्टडी टेबल है, एंड बोन चाइना बोन क्रैकरी फॉर सेल वनली। अब देखो भाई, जैसे कि आप जॉब करने वाले हो, तो अब आप तो ऐसा नहीं कोई डेली डेली घर पे देखने के लिए आए तो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपने क्या बोल दिया, सिर्फ ये संडे को, ओनली ऑन संडे। टाइमिंग भी दे सकते हो आप, भाई संडे को जैसे इतने से इतने बजे तक मैं रहूँगा, कोई भी देखने के लिए आ सकता है या खरीद सकता है, बिटवीन 9:30 AM टू 12 PM, ठीक है। ऑन द साइट, इस साइट पर जा करके आप क्या कर सकते हो, सॉरी मतलब आप आकर के देख सकते हो, इतने बजे से लेकर के 9:30 बजे मॉर्निंग में, 9:30 से लेकर के 12 बजे तक का। अब कांटेक्ट जो मतलब खरीदना चाहते हैं, कांटेक्ट करें शर्मा जी 12 स्वयंभू फ्लैट्स, कहाँ, कठोदरा सूरत, ठीक है। तो इस तरीके से ये आता है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी कार बेचना चाहते हो, तो वहाँ पर सिर्फ ये जो फर्नीचर्स है इसकी जगह आपको कौन सी कलर का कार, कौन सी कलर की कार है, और इसके बाद उसका जो है नाम क्या है, कौन सी कंपनी की कार है। और आप भाई देखो, इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये मतलब वन हैंड है, कि एक ही आदमी अभी तक जिसने खरीदा है, मतलब वन ओनर है कि सेकंड ओनर है, ये कौन सा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग देखते हैं। तो आपकी अगर मान लीजिए भाई सिर्फ आपने चलाया है, तो लिखेंगे यहाँ पर ओनर ड्राइविंग ना, मतलब खुद की द्वारा चलाई गई है, इसका कोई सेकंड जो है ओनर नहीं है, फर्स्ट पार्टी है सोफा, सॉरी। इसके बाद आप ये बता सकते हो कि मॉडल नंबर कौन सा है, ठीक। और अब आप उसको थोड़ी अपनी, जब कोई चीज़ बेचनी होती है उसके विषय में तो आपको एक्सप्लेन ही करना होता है। अब आप बता दोगे कि नंबर 1 ही कचड़ा है तो कोई लेने थोड़ी आएगा, तो वहाँ पर उसकी क्वालिटी आपको बतानी पड़ेगी कि भाई एकदम अप टू डेट बनी हुई है, कोई भी काम वम उस गाड़ी में बाकी नहीं है, ठीक है। आप आकर के ड्राइव करके चला करके इसको देख सकते हो, ठीक, और आप बता सकते हो कि इतना से इतना बजे आप आ सकते हो, इस तारीख को आ सकते हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको हम फॉर सेल में लिखते हैं। तो आई थिंक यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द एडवर्टाइजमेंट एंड हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन एडवर्टाइजमेंट। थैंक यू, दैट्स ऑल।